जब आप सेल्स पेज के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं तो लोग फीचर्स और बेनिफिट्स दोनों को ऐड करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फीचर्स के ऊपर आपने ज़्यादा गौर नहीं करना है। लोगों को फीचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको रिजल्ट्स चाहिए, उनको बेनिफिट्स का पता होना ज़रूरी है। वो बेनिफिट्स की बेस के ऊपर लॉजिकली इमोशनली आपके प्रोडक्ट के बाय करते हैं। तो आपने नेक्स्ट टाइम जब अपनी प्रोडक्ट या सेल्स पेज उसका बनाना है तो फीचर्स जो आपने ऐड करने हैं अपने सेल्स पेज के ऊपर, उनको ऐड करने के बाद आपने ज़्यादा एम्फोसाइज इस चीज़ के ऊपर करना है कि आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या हैं और उन बेनिफिट्स से बेसिकली कस्टमर्स को क्या फायदा हासिल होने वाला है। तो कस्टमर बेसिकली रिजल्ट बाय कर रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन और फीचर से उनको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना सेल्स पेज बनाएं, आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट हैं उनको सेल्स पेज के ऊपर आयां करके लगाएं। और लेट्स से अगर आपने 10 बेनिफिट्स हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ आपने बेनिफिट को बुलेट पॉइंट के अंदर आपने वहां पे मेंशन कर देना, ईच बुलेट पॉइंट के साथ, ईच बेनिफिट के साथ आपने छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन भी रखनी है। ये परसुएसिव, ये सेल्स पेज 101 है, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिलेगी, क्योंकि लोग लॉजिकली इमोशनली जो बेनिफिट्स हैं ना उनको पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के बाद इमोशनली डिफाइन करते हैं अपने दिमाग के अंदर कि यस दिस इज द प्रोडक्ट फॉर मी, ओनली सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के बेस के ऊपर। डू दैट, यू विल सी मोर एंड मोर सेल्स फॉर योर प्रोडक्ट।